फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है दिवाली, तो हम सब की तरफ से, हमारी वर्मा फैमिली एंड महिंद्रू फैमिली दोनों की तरफ से आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वर्मा फैमिली मतलब मेरी फैमिली, इन लॉज की फैमिली, महिंद्रू फैमिली मतलब मेरे मायके की फैमिली। तो इस दिवाली सिर्फ दिए नहीं जलाएं, लाइट नहीं जलाएं, कुछ अच्छा करने का सोचें। अपने अंदर का जो अंधेरा है, जिसे हम डार्कनेस कहते हैं, उसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश करें। जैसे कि मेरे लिए दिवाली इज़ नॉट ओनली अबाउट लाइटनिंग दियाज एंड ऑल, बट इट इज़ ऑल्सो अबाउट अंदर, अपने अंदर देखिए कि क्या कमी है, आप उसको क्या ठीक कर सकते हैं। एंड छोटे छोटे वेंडर्स की हेल्प करें शॉपिंग पे, अगर आप जा रहे हैं ट्राई करें कि सिर्फ बड़े बड़े वेंडर्स से ना शॉपिंग करें। छोटे छोटे वेंडर्स या छोटे छोटे खाट पे जो दुकानदार होते हैं, उनसे दिया लीजिए, कुम्हार के पास जाइए एंड ये छोटी छोटी चीज़ें लीजिए। अपनी और दूसरों की लाइफ में खुशियाँ बांटने की कोशिश करिए। एंड जो आज मैंने पहना है ये अभी सूट, शाम को मैं पूजा के टाइम चेंज करूँगी। ये वाला सूट मेरे लिए दीपा दी और निशा दी गिफ्ट में लेके आए हैं। एंड बताइएगा कैसा लग रहा है। और बाकी सबसे भी मैं आपको मिलवाती रहूँगी। अभी हम जा रहे हैं मार्केट, मतलब पास की ही कुछ दुकानों पर, थोड़ा सा पूजा का सामान लेने के लिए। और आप हमारे साथ बने रहिएगा, कोशिश करूंगी मैं अगर वहाँ शूट कर पाई तो वो क्लिप ऐड करूंगी। बाय बाय। और ये आ गए हम हमारे घर के पास की छोटी सी मार्केट में। एंड आई वॉज अमेज्ड बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम इस मार्केट में आई थी एंड मोस्टली सब कुछ मिल रहा था। ये मैंने बहुत छोटे से वेंडर से पूजा के लिए एंड डेकोरेशन के लिए थोड़े से फूल लिए, मालाएं ली। तो मैं दीदी से वही पूछ रही थी कि इतनी इनफ रहेंगी ना। इसके बाद हमने थोड़ा सा और सामान लिया जो हमें लेना था घर के लिए, और फिर हम घर आ गए बिकॉज घर आके भी पूरा डेकोरेशन करना था एंड काफ़ी सारी पूजा की तैयारियां भी करनी थी। तो पूरा तो मैंने शूट नहीं किया, बट थोड़ा थोड़ा हमने सामान लिया मार्केट से जो भी रहता था पूजा का। और ये यहाँ पे हम थोड़ा सा डेकोरेशन कर रहे हैं, तो निशा दी, मैं और दीपा दी लगे हुए हैं डेकोरेशन के लिए। फिर उसके बाद हमने इवन दिए भी सब निकाले, दिए सजाए हमने प्लेट के अंदर। उसके बाद मैं चली गई किचन में थोड़ा सा खाना बनाने के लिए, और आज मैंने बनाई थी मलाई पनीर जो कि मुझे तो बहुत पसंद है। फिर ये हमने छोटा सा मंदिर डेकोरेट किया, फिर हमने दिए जलाए और फिर वो दिए हमने घर में सब जगह रखे। उसके बाद हम सभी बैठ गए थे पूजा करने के लिए। Thank you.
पूजा के बाद हमने घर के बड़ों के पैर छुए, उन्हें दिवाली विश की, बाकी सबने भी आपस में एक दूसरे को स्वीट्स खिलाए एंड दिवाली विश करी। एंड हमें पापा ने पैसे दिए जब हमने उन्हें दिवाली विश करी, तो हम सब बहुत खुश हो गए कि अरे हमें सब पता नहीं था पापा पैसे देने वाले, तो हम तो सब बहुत खुश हो गए कि अरे अब हुई ना असली दिवाली। तो आपना कितना भी अर्न कर लो, बट जो बड़े आशीर्वाद देते हैं ना, उसका मज़ा ही कुछ और होता है। यहाँ देखो मम्मी कितने प्यार से हिमांशु को विश कर रही हैं, और फिर मुझे भी मम्मी ने हग किया, दिवाली विश करी। और यहाँ पे ना मैंने हिमांशु को बुलाया कि हम दोनों मिलके आप सबको दिवाली विश करते हैं, स्वीट्स खिलाते हैं। हिमांशु को लगा मैं दीदी को स्वीट्स खिलाने के लिए बुला रही हूँ, फिर उन्होंने एकदम मिठाई रख दी। अरे मैं ये सब ड्रामे नहीं करूंगा। फिर उसके बाद मुझे बहुत हंसी भी आ गई, सब हंस रहे थे, दीदी भी हंस रही थी। फिर हमने दीदी को विश किया एंड सबने एक्चुअली आपस में एक दूसरे को स्वीट्स खिला के दिवाली विश किया। बहुत सारी मिठाई खाई हमने दिवाली वाले दिन। अब मेरे लिए तो कोई भी फेस्टिवल का मतलब है टाइम स्पेंड करना फैमिली के साथ। अदरवाइज अगर फैमिली खुश नहीं है, आप लोग साथ नहीं है, तो फेस्टिवल का कोई मतलब नहीं होता है। ये बस एक चांस होता है जहाँ पे आप हंसते हैं, खेलते हैं, फैमिली वाले छुट्टी वाले दिन सब लोग साथ में बैठ के टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद बस क्या है, हम सब तैयार हुए हुए थे, हम तो वेट कर रहे थे कब हम सब फ्री हों एंड फोटोज एंड वीडियोज लेना स्टार्ट करें। तो मैं और दीपा दी, निशा दी तो बिजी हो गए थे फिर उसके बाद वीडियोज लेने में, फोटोज लेने में। फिर ना उसके बाद क्या हुआ, हम लोग नीचे गए पार्किंग में। मैंने ना यहाँ दीपा दी को नहीं बताया ये वीडियो, तो वो स्टैचू बन के खड़ी थी, उनको लगा कि ये फोटो, बट एक्चुअली वो वीडियो थी, तो हम उनकी हंसी उड़ा रहे थे। हेलो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे, और हम सबकी तरफ से हैप्पी दिवाली।